को आपने ऑर्गेनाइज करा मुंगी अंकल के साथ। थैंक यू। नहीं, शी इज द होस्ट, मैं कुछ नहीं हूँ, शी इज द होस्ट टुडे। अच्छा अच्छा, हां, होस्ट सोल, त्रिशा इज द होस्ट सोल होस्ट। Zoom के होस्ट है, मैं इवेंट की होस्ट हूँ। ओहो, इवेंट मैनेजर। आप इवेंट के होस्ट हैं, तो मैं पहले माफी मांग लेता हूँ, सॉरी कह देता हूँ, मैं लेट हो गया ज्वाइन करने में, मुझे सॉरी। अब मैं आगे से कुछ नहीं होता, बहुत लोगों लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं ही खुद लेट ज्वाइन कर रही हूँ। ओ काइंड ऑफ यू, दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू त्रिशा। Oh my God! That is very encouraging and very generous of you. Thank you very much. Actually, oh, she is very clear by heart. Yes, yeah, she is very clear. Yes. She. Hi, Ayush. Namaskar, sir. How are you? Great, sir. Hey, wow. Captain sir, aaya so. Jain. कौन हट गया? रहेजा साहब हट गए, रहेजा अंकल चले गए। मिस्टर रहेजा, ओपी रहेजा रीजॉइन कर लेंगे मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, त्रिशा आपने हेयर कट कहाँ से कराया? हमारे यहाँ तो हमें डर लगता है। What happened? My mom said we are going to Nani's house. So mom thought that my mama will cut my hair. So उन्हें काट। अरे हर्षी ज्वाइन नहीं किया आपने? उन्हें काट दिया। बहुत छोटे कर दिए। ऋषा, मुझे लगा कि ये इवेंट की तैयारी करी है आपने इस हेयर कट से। नहीं, फोन ही गैरेज ज्वाइन करना था। देखियो, मैं जरा ग्लास, पानी का ग्लास भर के आता हूँ। पानी का ग्लास होना चाहिए, एक सेकंड। ओके, दबा के रखना पड़ेगा। चले, कैसे सुनता है? अब चला। अरे ये बच्चा है, ये आज वो कर रहा है किसी की, वो ट्रेनिंग वाले की लड़की हो गया। जोशी आ तो रहा है। जोशी तो ये है बेटा। नहीं, लेकिन चल तो रहा है। चल रहा है, बीच में भी ऑफ हो गया था, पर इसका रिलायबिलिटी क्या है? आया नहीं। बंद करके खोलो। क्या बंद करो? वाईफाई ऑफ करो। क्यों? ये ऑफ करो, ये। क्या कह रही है हमारी चटपटी त्रिशा चाट वाली? मैंने सबको वही पूछ रहा था, आपने रखा ही क्यों है? रखा क्यों था? क्या बेटा, रखा क्यों था त्रिशा? रखा क्यों है? तुम्हें नहीं आई मुझे? Why did you give me the name Chatpati Trisha? तुम्हारा वो वीडियो का नाम ही यही था, चटपटा चाट बनाने के लिए त्रिशा बना रही है। क्रेजी था वो, क्रेजी था, चटपटी नहीं था, क्रेजी था वो। किसने रखा ये? ये किसने रखा चटपटी नाम? नहीं, वो चाट, चटपटी चाट का इनका वीडियो था ना, इन्होंने चटपटी चाट का वीडियो बनाया था, कैसे बनाते हैं। She is Trisha Khare.
Yes. Yes. That's why my dad. Let me complete. And teacher, what is the first school? अब दिख रहा है खड़े खड़ा दिख गया खड़े दिख गया अब आप भी खेलते रहोगे अच्छा लगेगा ना अच्छा लग रहा है आगे जाओ कैप्टन शेखर क्या चल रहा है आजकल मजाक हो रहे अनम्यूट अनम्यूट कर लो सर आप ओके सर आई थिंक वी शुड नॉट वेट आई थिंक आई हैव कॉल्ड पीपल सो दे मे बी ज्वाइनिंग इन फ्यू मिनट्स कुछ लेट भी आ सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं देयर आर सम इश्यूज आल्सो हां तो ऐसा करते वी कैन स्टार्ट नहीं तो तीन चार मिनट रुक जाओ नहीं नहीं सर ऐसा है देखो तीन पार्टिसिपेंट्स तो हमारे एक ही विंडो में है चटपटी त्रिशा में अमित है त्रिशा है एंड सिद्धि रिद्धि सिद्धि सभी एक ही विंडो में है एंड हर्ष एंड निरंजन निराजना हर्ष एंड मिसेस हर्ष दे आर ज्वाइनिंग उन्होंने एक्चुअली उनको कंफ्यूजन हो गया 11:30 का सो दे विल बी ज्वाइनिंग अभी 5-10 मिनट में जब भी ज्वाइन करेंगे वो कर लेंगे सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट वी शुड नॉट वेस्ट है ना I think we are already in 9 minutes. Munge sir, इजाज़त देना एक मिनट मैं कह रहा थी और तुषा कह रही है वो मैंने चटपटी तुषा ना कहो मैं और ना नहीं मैंने सूट नहीं नहीं सूट किया सर she is very she is liking it मना कर नहीं नहीं मैं sir इट इज़ नॉट फंकी डजन गो विद मी अरे गल तुसी की आप के नहीं अपॉइंटमेंट गल हुई है इस बारे में ऐसी क्या नहीं चीज तुषा खरे ओके ठीक है आप करो यार मैंने सबको अनम्यूट कर दिया बाबा मैंने किसी को नहीं किया था आई थिंक अमित कह रहे हैं कि उनको हमारी आवाज भी नहीं आ रही शायद कैन समबडी टाइप अ मैसेज टू देम कराओ फिर शुरू कराओ सर सर शुरू करने लगे सर शेखर सर अरे पहले सबको आने तो दो त्विशा ऐसा है त्विशा those who are disciplined they have come and those who are late we should not wait for them है ना isn't it अच्छा चलो दो दो लोग और ज्वाइन कर रहे हैं हर्ष एंड मिसेस हर्ष दे आर ज्वाइनिंग चलो आ गए हैं वो तो कर लिया लेकिन मुझे लगता है कि उसी वो इसी चक्कर में शायद नहीं आ रहे कि मेरा नंबर बाद में है राजेश जी कौन कौन रह गए अभी सर छोड़िए जो रह गया वो छोड़ देते हैं सर अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं वी कैन स्टार्ट सर सर I have joined so sorry सर फोटो भी तो दिखाओ सर शक्ल दिखाओ हर्ष जी दिखा दी लो सर देख लो वेलकम सर आप सोते रह गए लगता है नहीं नहीं मेरे को बिल्कुल माइंड से निकल गया कि 11:30 बजे आई वाज थिंकिंग इट इज स्टार्टिंग 11:30 सो सॉरी आई एम सो सॉरी यू हैव टू अपोलोजाइज फ्रॉम त्विशा इज द होस्ट ये सब कोरियर से पहुंच जाएंगे
पक्का इनको एड्रेस दे दो अपना आवाज नहीं आ रही है आपकी सर वो तब आएगी ना जब हम लोग मैं म्यूट करूंगा सबको तो इंडिविजुअल की आएगी एक्चुअली जब दो दो लोग बात कर रहे होते हैं तो आवाज कट जाती है तो इट इज व्हेन शी विल स्पीक नहीं उनकी कट रही आवाज नहीं कटेगी सर नहीं कटेगी जब वो हाँ बाकियों को म्यूट कर दूंगा ना मैं देखिए मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको ओके एंड नाउ आई विल अनम्यूट तिशा ओके अच्छा तुषा अनम्यूट योरसेल्फ ओके आई जस्ट वांट टू से दैट लाइक आयुष अंकल हैज सेड दैट हु विल कम एट द लास्ट दे विल गिव मी जॉब दैट्स द रूल आई जस्ट मेड इट That's the rule. That's the rule. Okay, Harsh. Okay, Harsh. Ma'am is joining. She is here. She is here. Okay. Good morning, ma'am. Namaskar. Sir, namaskar. She is Ayush. बहुत ये मेरे सब बहुत देर से वेट कर रहे थे हम आपके बहुत देर से वेट कर रहे थे चलिए आई थिंक नाउ वी कैन कमेंस बाकी जो लोग आएंगे बाद में तो दे कैन ज्वाइन ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम एवरीवन दिस इज आवर थर्ड इवेंट विद इन वन मंथ आई थिंक एक महीने के अंदर हम लोग ये तीसरा इवेंट कर रहे हैं एंड इट्स मतलब इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली इट हैज बिकम जस्ट लाइक अ फैमिली तो आई थिंक एवरीबडी कीप्स वेटिंग फॉर दिस इवेंट सो टुडे सम न्यू पीपल हैव ऑल्सो ज्वाइंड And I am not going to introduce them because that okay. I'll. I want to say something. Okay, Tisha, just a second. I'll give it to you. I'll just mute everyone. Now, kindly don't unmute yourself or mute yourself. Don't do anything. I am going to mute you and I am going to unmute. So that is the rule for this. So first of all, I welcome everyone. Usha ma'am, welcome. Rakesh ji, welcome to you. Rakesh ji, aaj hamare opening batsman hai. And then Ayush is here. He is the most entertaining participant of this event. Captain Shekhar has joined today. Captain Shekhar Joshi, he's from IETD first batch. Om Raheja sir, please welcome. ये तो हमारे कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं एंड टुडे ही इज आल्सो वन ऑफ द ओपनिंग बैट्समैन एंड देन वी हैव हर्ष एंड मैम ज्वाइन कर रही हैं उनके साथ मिसेस हर्ष शी इज निराजना वो एक मिनट मैं अनम्यूट कर रहा हूं इनको बिकॉज आई हैव स्मॉल कंफ्यूजन टू क्लियर ओके मैम प्लीज टेल मी योर नेम बिकॉज मेरे को निरंजना समझ में आया था मैंने निरंजना डाल दिया था निराजना बिकॉज मैंने इसको निरंजना बता दिया था आप नीरा भी बोल सकती नीरा भी बोल सकती है नहीं नहीं नीरू बोल सकती है सो नाइस ओके देन नेक्स्ट इज अमित खरे is there. He is right there from the very first event with us. He is from IETD first batch. Amit Khare ki puri family mein dekh lijiye. Last time Riddhi performed. Today Siddhi is going to perform. She is going to sing and uske saath Riddhi is going to play guitar. Aur uske baad sabse badi jo aaj hamari highlight hai, that is Tisha. She is the host of today's event and simultaneously she is going to be a participant as well. So I'll not waste much time. I'll straight away give it to Tisha and she will take over from now. My job is only technical part that I am going to control the audios and videos. That's all. And she's going to take over. So Tisha. Yes, now. Over to you, Tisha. Please take over. Good morning, ladies and gentlemen. I am Tisha. Your host for the event, Fusion. Fusion is not a competition, but an informal event
in the last event. Today we'll see his talent in reciting poetry. He will recite a beautiful poem written by Harivansh Rai Bachchan. The title of the poem is Tum Mujhe Kab Tak Rokoge? So please put your hands together for Rakesh Uncle. Start. Harsh, please don't mute and unmute yourself. I will do it. So kindly unmute yourself. So I will control it from here. So that this time we are going to appreciate, we are going to clap for the performer before the his performance and after his performance. So during the performance, you will remain muted. So Harsh, kindly unmute yourself. You do it yourself, then I will be able to control. Just a second. Now everybody is unmuted. So let's give a huge round of applause to Mr. Rakesh. Just a second, sir. I'll just mute all and unmute you. Balu. Sir, please go ahead, sir. Yeah. Thank you, Tusha, for the beautiful introduction. तो मैं आज आपको एक कविता सुनाने वाला हूं. उसका शीर्षक है तुम मुझको कब तक रोकोगे. यह कविता हमारे सबके प्रिय सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के दिल के बहुत करीब है. और आज के कोरोना के माहौल में एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है अपना मनोबल और उत्साह बढ़ाए रखना. तो यदि मेरी कविता आपका मनोबल और उत्साह बढ़ाने में थोड़ी भी सहायक होती है तो मैं अपने इस प्रयास को सफल मानूंगा. तो मैं शुरू करता हूं. तुम मुझको कब तक रोकोगे. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं. सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे. अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है. मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं. शीशे से कब तक तोड़ोगे. मिटने वाला मैं नाम नहीं. तुम मुझको कब तक रोकोगे. इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है. कानों के शोर में भी रहकर सच कहने की आदत है. मैं सागर से भी गहरा हूं. तुम कितने कंकड़ फेंकोगे. चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं. तुम मुझको कब तक रोकोगे. झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं. अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं. तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं. तुम मुझको कब तक रोकोगे. वंडरफुल प्लासा ब्रिगेजी मजा आ गया.
राकेश जी आर यू देयर? इंटरनेट इश्यू लग रहा है आपका कुछ राकेश जी? हाँ इंटरनेट ओके आई थिंक ही विल रीजॉइन सर राकेश सर चलो एनीवेज आई थिंक दैट वाज वेरी गुड बिगिनिंग वेरी गुड आई थिंक वी ऑल एप्रिशिएट दैट दैट्स वेरी नाइस या या श्योर तो नाउ आई विल हैव टू ओके वेरी गुड ओके तुषार गो अहेड Our next performer today is Aheja Uncle. Today he is going to sing a spicy song in his sweet melodious voice. The song is Hey Apna Dil To Awaya Na Jaane Kis Pe Aayega. So please put your hands together for Aheja Uncle. You are great. Krisha, you are very great. Thank you. Okay. मेरे को अभी introduction देने की जरूरत तो है नहीं किसी को. Everybody knows. सर प्लीज गो अहेड यस है अपना दिल तो आवारा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही ना समझा हसीनों ने बुलाया गले से भी लगाया बहुत समझाया यही ना समझा बहुत भोला है बेचारा न जाने किस पे आएगा मैं अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा जब है दीवाना न दर न ठिकाना जमी से बेगाना पलक से जुदा ये एक टूटा हुआ तारा न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा जमाना देखा सारा है सब का सहारा ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का जमाना देखा सारा
है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का, सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा, हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा, जमाने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। याद आ गई हमें वो ट्रेनिंग की, माने सर की याद आ गई। आपकी तो याद हमेशा ही रहती है, ध्यान रखते रहते हैं कि आपने इतने सारे गाने सुनाए थे। रेजा साहब अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब तो दिल त्रिशा पे आ गया ना, या आ गया, आ गया, आ गया, पक्का पक्का पक्का। दिस इज ओनली थैंक्स टू त्रिशा, त्रिशा इसका क्रेडिट सारा, इसका क्रेडिट सारा त्रिशा को ही जाता है इसका। डेफिनेटली डेफिनेटली, गाना भी आपने बढ़िया गाया है। ओके सो ओवर टू त्रिशा। यस त्रिशा बोलो। यस our next performer is Usha, Usha auntie. We have all seen how versatile she is in singing Malayalam and Hindi songs. Today we'll see another talent of Usha auntie, which is storytelling. The title of the story is A Handful of Clay. This story is written by an American author, Henry Van Dyke. The story follows a handful of clay from the riverbank, which was the capable of dreaming and reflecting. So please put your hands together for Usha auntie. Thank you. Welcome Usha ma'am. Thank you Tisha for Usha giving ma'am such a wonderful introduction. Thank you so much. Thank you. Okay. Just give a second Usha ma'am, I'll just mute everyone. Just give me a second. Ma'am, please go ahead. This title of my story is, as Tusha told, A Handful of Clay. And this story is written by an American writer, Henry Van Dyke. The story is about a handful of clay, which is able to have some reflective thoughts, or which is also able to dream upon its own life. So there was a handful of clay on the bank of a river, and it was not that much looking attractive. You know that how a handful of clay will be there. So the clay was thinking that I am coarse, that means I am very rough and I am heavy and I am not so beautiful like whatever I am seeing around me. It looked at the forest, and the forest was shining with glory, with the green trees and the beautiful flowers. And again, it looked at the flowers, and the flowers were so happy with the joy of its beauty. And it could see the wind was whispering to the flowers, like, you have made the forest so beautiful today.
then it looked at the river which was on the side of what it was located, and the river also seemed to be so proud of its strength. The river was telling that today I got an opportunity to come out from the snow-cladden mountains, and you know I have so much duty regarding my life. I am going to give strength for so many windmills to roll around, and I am also going to give the strength for the ship to float on the ocean. Everything is happening because of me, because so many rivers collected together becomes an ocean. Then the clay was asking himself, so what about me? What is my duty? Even I have been taken to this earth with some intention, but I myself do not know where my virtues will be recognized. Anyway, it was telling to itself, there will be a time when my role will be recognized and when people will be recognizing me. Time was going on, and one day it could feel that somebody was lifting it from the bank of the river. It was taken by a kind of weapon, a kind of iron weapon, and which was taking it and tossing it onto a cart. It looked around. In the cart, there were other clumps of clay also. And so the clay was telling himself, yeah, my journey starts now. My journey to show my virtue to the world is starting now. But the path was very rough, and it was not a pleasant journey. It was tossing, hurtling everywhere, and it was very risky. But the clay was telling to himself, yeah, yeah, I know the journey to the virtue or the journey to show my value to the world, it is not an easy way. It is tough, but I have to bear this. Then it was taken to a place where it was put onto a trough. On the trough, when it was put on the trough, it was telling to itself, okay, what is next? It was trampled over, it was mixed harshly, it was thumped hard by the human hands. It was paining all over for the clay. Still it was telling, let it be, I have to bear all this. After some time, it was taken from the trough and it was put on a pot wheel. When it was put on the pot wheel, the clay was thinking that, yeah, yeah, this is fun ride. I can enjoy this. But again, it was feeling some kind of dizziness, and it was feeling that it is going to be fainted because so many times it was getting revolved. And then again, it was telling to itself, let it be. I have to bear this. After that, from the pot wheel, it was taken to another place. Okay, maybe here I am going to realize my virtue, the clay thought. But now it was like jumping from the frying pan to fire, because it was so hot over, it was feeling, it was sweating like anything. Again, it was feeling tired. It was kept in a furnace. So in the furnace, again, so many procedures were going on. And afterwards, one fine day, it was taken out from the furnace. It got some relief. And it thought, okay, now, and then it was kept on a board. When it was kept on the board, it thought that, okay, now I have become so beautiful, like the forest, or like the flowers, or like the river. I have become, I have become more strong. I have become more beautiful, and I'm going to get the glory. But the board where it has been kept, near the board, there was a small lake. It looked at the lake, and it could see its reflection. It was not so beautiful as it was expected, as it was expecting it to be. It came, it saw its reflection in such a way that an ordinary slender thin red flower pot. So it was not happy, and the clay was thinking, I'm not a beautiful one even now, and how people are going to recognize me? And days were passing on. It could feel that it was filled with earth. Earth in the sense soil. Then it could feel that some kind of brown things which are which look somewhat non-living, like rough, ugly. It was thrusting to that. And the pot was thinking that, what is the purpose of filling all this on me? Anyway, I have to wait. Days were passing on, and it could see a kind of something was growing within it, a ray of hope.
maybe now I'm going to get a new look, it felt. But then also it could not find any kind of recognition. And after that, it was kept on a greenhouse. In the greenhouse, it was getting the sunlight. It was getting watered, and so many days were passing on. And one day, it could see its place. It was taken to a church, and it was kept there. And the clay and the pot, the clay which is now in the form of a pot, was wondering, why am I kept here? I thought my place will be in a temple, or I will be decorating the table of a king. I will be getting some royal recognition, I thought. Then why I am here on the church? But it could feel people who were coming to church, everyone was looking at him. And he was wondering, I am such an ugly one, nothing special on me, and why people are looking at me? So it asked its neighbor, who was another flower pot, why people are looking at me here when I am here? And the flower pot was asking him, oh, you didn't recognize your value. See, you have, there is a beautiful lily flower on you. You are bearing that plant. And the lily flower is considered as the scepter of God. And lily is famous for its, it is one of the most wonderful flowers in the world. And it is famous for its white color, delicate petals, and its heart so pure as gold. You are so precious and people are respecting you. And our clay pot or the flower pot, it was so happy. It was telling, thank God, even though I am just made out of clay, now I am getting my recognition. I am thankful to everybody because through me, people are recognizing me. This is the story of The Handful of Clay, written by Henry Van Dyke. Dear friends, think about the message from this story. I'm not going to reveal this message. Let it be one of the courses, source for reflective thoughts for you throughout this day. Thank you very much. Thank you. Wow. Outstanding. So nice. Great. So nice. Okay, just a second. I think next, okay. I'll just mute all. Unmute Trisha. Very good. Nice. So, our next performer today is Rajesh Uncle. We are all familiar with his singing talent. Today he is going to sing an old romantic song for you. The song is बेकयार करके हमें क्यों ना जाइए आपको हमारी कसम लौट आइए. The original song is sung by Hemant Kumar. So please give a huge round of applause to Rajesh Uncle. Thank you, Trisha. Thank you so much. Okay, just a second. Okay, after such a beautiful introduction by beautiful Trisha, I want to sing a beautiful song. Okay. बेकरार करके हमें यूं न जाइए आपको हमारी कसम लौट आइए. बेकरार करके हमें यूं न जाइए आपको हमारी कसम लौट आइए. देखिए वो काली काली बदलियां जुल्फ की घटा चुरान ले कहीं चोरी चोरी आके शोक बिजलियां आपकी अदा चुरान ले कहीं. यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए आपको हमारी कसम लौट आइए. बेकरार करके हमें यूं न जाइए आपको हमारी कसम लौट आइए. Thank you.
देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात ना यूं मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। थैंक यू। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मजा आ गया जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया जी, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू सो मच, मजा आ गया, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, मजा आ गया। ओके, हेमंत कुमार साहब की तो क्या बात है। आपको कैसा लगा सॉन्ग मुंगी अंकल का? हां हां, कमेंट्स फ्रॉम तुषा, फर्स्ट आई वांट कमेंट्स फ्रॉम तुषा। No, everybody is unmute. Tusha, you are अरे तुषा, you are तुषा, आपका ऑडियो का प्रॉब्लम। मेरा नहीं, नहीं मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, तुषा को खोला हुआ मैंने बॉस, अनम्यूटेड है। एक मिनट, एक सेकंड नहीं, अनम्यूटेड है। डरता क्यों है? 9-7 से डरता क्यों है? बताऊं क्यों? नहीं, पहले हमारे समय तो पूछने दो, बताने दो। एनीबॉडी क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं बता? नहीं बताओ, आयुष जी बताएंगे, आयुष बताएंगे। तुषा क्या क्वेश्चन पूछा आपने? क्वेश्चन रिपीट कीजिए, क्वेश्चन क्या? 9-7 से डरता क्यों है? 9-7 से, अच्छा 9-7 से डरता क्यों? अच्छा, आई थॉट कि आप पूछ रही हो कि पापा मम्मा से डरता क्यों है। वो तो सबको पता है। I think तुषा आपको ही बताना पड़ेगा इसका आंसर। तुषा आप ही बता दो, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, आप बताओ। अरे पहले सबको तो बताने दो, आयुष अंकल आप बताओ। नहीं बेटा, मुझे भी नहीं पता। मुझे नहीं पता बेटा, किसी को भी नहीं पता बेटा, यहाँ किसी को नहीं पता, ये IITD वालों को नहीं पता। ये सारे के सारे डरपोक हैं सब। क्या? हाय श्रुति। हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम श्रुति। 10 चॉकलेट तू तुषा, ओके? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। आई नो हर प्रॉब्लम। अभी ये बताओ, अच्छा आ गई है क्या लाइट? आ गई है क्या श्रुति? अभी सर लाइट आई है। सो नाइस, वी आर सो लकी टू हैव श्रुति हियर। उसकी लाइट नहीं आ रही थी कल से, तो लाइट आ गई हमारे उसमें, क्योंकि श्रुति की आते ही लाइट आ गई। अच्छा,
हम सबकी लाइफ में देखो लाइट आ गई, बैठ गई श्रुति। हाँ बच्चा। हाँ बोलो। लाइन किससे डरता है? नाइन सेवन से क्यों डरता है? अरे नहीं आता श्रुति दीदी को, आपको बताना पड़ेगा। त्विशा किसी को नहीं आता, बता रहा हूँ। किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आता। हाँ हैंड्स अप, सबने हैंड्स अप कर दिए। सरेंडर, वी सरेंडर। सरेंडर किसी को नहीं आता, किसी को नहीं आता। इतना मुश्किल सवाल है, बताओ। सेवन एट नाइन, सेवन एट एट, सेवन एट। ओके ओके, वेरी वंडरफुल। सेवन एट नाइन, सेवन एट नाइन, सेवन एट नाइन। वाह। ओके नाउ आई विल म्यूट एवरीवन एंड अनम्यूट त्विशा, द आवर होस्ट। शी इज गोइंग टू अनाउंस फॉर द नेक्स्ट कंटेस्टेंट, जस्ट ए मिनट। अरे अमित, अमित आर, देयर इज प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड यार, देयर इज प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड। हाँ अब हो गया, अब हो गया, हो गया। अरे यार आप मत करो, आप मत करो, मेरे को करने दो प्लीज। अमित अब आपने आपने म्यूट कर लिया अपने आपको। ओके अब आप, ओके ओके ओके, अब मुझे करने दो प्लीज। क्या हो रहा है? हाँ थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। ओके नाउ त्विशा गो अहेड, गो अहेड नाउ। आवर नेक्स्ट परफॉर्मर टुडे इज माय पापा मिस्टर अमित खरे। टुडे ही इज गोइंग टू रिसाइट हिज ओरिजिनल पोयम विद द टाइटल हमारे पड़ोसी। दिस इज अ रियल ह्यूमरस पोयम, सो प्लीज पास्ट इन योर बेस्ट टू फ्लाई ऑन द फ्लाइट ऑफ कॉमेडी। So please put your hand together for my papa, Mr. Amit Khare. Okay. Shall I? Yeah, Amit. Okay, okay. So ये एक हास्य कविता है क्योंकि मैं yes. Please go. Please go ahead now. So, हाँ, तो ये एक हास्य कविता है। जैसे अमित खरे एक मोटिवेशनल ट्रेनर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन सबसे पीछे उसके जो है वो हंसी और खुशी है। तो मैं यू वोंट बिलीव कि जब मैं एट ग्रेड में था तब मैंने ये कविता लिखी थी और भगवान की दया से अच्छी बन गई और आज तक मैं इसको सुनाता हूँ। तो ये क्या है कि एक पड़ोसी के ऊपर बनाई है कि जो पड़ोसी हमारे घरों में आते हैं या हम उनके घर जाते हैं तो क्या हास्य बन सकता है। सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल रिसाइटिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कि हमारे पड़ोसी है बहुत शौकीन। जब भी आते हैं हमारे घर में चाय के साथ लेते हैं नमकीन। अब नमकीन कहाँ से लाए क्योंकि चाय तो यहाँ स्वयं अमित बनाए। क्योंकि बीवी इधर आ रही है भाई, क्योंकि बीवी जाती है किटी पार्टी में, बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने और किचन में जाते हैं हम सड़ने। पड़ोसी करता है बेफिक्री से इंतजार, कहता है देर क्यों लगा रहा है यार। हम मन में फुसफाए कि अबे गधे किसी दिन हम तेरे घर में आएंगे, चाय के साथ नमकीन खाएंगे, तब पता चलेगा कि डेली आ जाता है यार, हमारा नुकसान करता, अपने घर बुलाता नहीं है। तो किसी दिन हम तेरे घर में आएंगे, चाय के साथ नमकीन खाएंगे, तब पता चलेगा। खैर पड़ोसी धर्म निभाना था तो हम गए चाय लेके, नमकीन की प्लेट थी खाली। यह देख पड़ोसी ने मन में दी गाली, हमें लगा बहुत बुरा पर चला नहीं सकते थे छुरा। आखिर वो हमारा ही पड़ोसी था, आखिर वो हमारा ही पड़ोसी था, इसका कोई और नहीं, सैम मैं ही दोषी था। अब घर लोगे पड़ोस में तो पड़ोसी तो बनेंगे, तो भाई दोष अपना ही है, तो इसलिए इसका कोई और नहीं, सैम मैं ही दोषी था। खैर पड़ोसी को जैसे तैसे रफा दफा किया। इतने में आई हमारी घरवाली, बोली चाय बना दो अदरक वाली, इससे एक चीज तो प्रूफ होती है कि चाय हम ही बनाते हैं। तो इतने में आई हमारी घरवाली, बोली चाय बना दो अदरक वाली, हमने कहा अभी अभी चाय बनाई थी। वो शक से बोली क्या कोई पड़ोसन आई थी? मैंने कहा नहीं भाई, पड़ोसी आया था, उसको चाय पिला के मैंने अपना दिल बहलाया था। तो बीवी गई पड़ोसी से लड़ने कि भाई डेली आ जाते हैं, इतना महंगाई हो रही है, बजट खत्म हो रहा है, तो इस बार तो मामला सेट कर दे। तो बीवी गई पड़ोसी से लड़ने,
हम गए पीछे उसे पकड़ने, पड़ोसी लगा अकड़ने, बात लगी बढ़ने, और मकान हुआ हमारा खाली। क्योंकि लड़ झगड़ तो सकते नहीं थे, पड़ोसी ज्यादा स्ट्रोंग था, लड़ाई झगड़ा हुआ, मकान हमारा खाली हुआ। तो मकान हुआ हमारा खाली, और इस बार कॉलोनी ढूंढी शरीफों वाली। शरीफ वो होते हैं जो एक दूसरे के घर नहीं जाते, पता ही नहीं होता आसपास कौन है। इस बार कॉलोनी ढूंढी शरीफों वाली, यहाँ रहते थे हम अक्सर खाली, और याद कर लेते थे उन पड़ोसियों को जिन्हें कभी चाय पिलाते थे अदरक वाली। धन्यवाद। ग्रेट भाई। भाई हमें दो चीजें अभी एक पूछनी है आपसे। पहली तो ये है कि आपने ये 8th क्लास में लिख ली थी कविता, 8th क्लास में लिखी थी ना, तो क्या आप तब शादीशुदा पहले हो गए थे क्या? आप तो बता दो, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कभी भी पहुंच सकते भाई। अच्छा, तो आपकी कल्पना बड़ी अच्छी थी यार, मतलब बच्चे बीवी सब हो गए, आप ही चाय बना रहे थे। मैं बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। देखो सबसे बड़ा जो ज्यादा एंजॉय किया वो तुषा ने किया, बिकॉज आई कुड सी तुषा, वो बिल्कुल इतना खुश हो रही थी इस कविता को सुन के ना, मजे आ रहे थे उसके। तुषा क्यों? पापा की फैन है वो, पापा की फैन है। तुषा क्या कमेंट्स बोल रही थी? एक दिन ना हम ना दीदी के फ्रेंड के घर जाए थे, वहाँ पे अंकल होते हैं राजेश अंकल, वो 17 फ्लोर पे रहते थे। और राजेश नहीं, ये नहीं और कोई बोल दो, यू आर नॉट यू, समवन एल्स। राकेश अंकल भी है यहाँ पर, राम अंकल बोल दो। सबको म्यूट कर दो, सिर्फ तुषा को अनम्यूट करो तब सुनाई देगा। सुनाई नहीं दे रहा तुषा। मैं वही कर रहा हूँ, सारे मैं वही कर रहा हूँ, बट एक्चुअली उसने क्वेश्चन पूछ लिया ना सबसे, तो इसलिए मेरे को सबको अनम्यूट करना पड़ा था। शी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, इसको यार अनम्यूट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है तुषा को। तुषा का पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ हो गया। अब तुषा दोबारा से सुनाओ, और वी विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई क्योंकि हम सबको म्यूट कर रहा हूँ। हम एक दिन दीदी के फ्रेंड के घर जा रहे थे, वहाँ पे एक अंकल है राम अंकल, वो 17 फ्लोर पे रहते हैं। जब उनके साथ लिफ्ट में कोई होता है वो 17 फ्लोर पे चले जाते हैं, और जब उनके पास कोई नहीं होता वो 11th फ्लोर पे आके लिफ्ट में 11th फ्लोर दबा के 11th फ्लोर पे आ जाते हैं, और सीढ़ियाँ चढ़ के 17th फ्लोर पे चले जाते हैं। और जब बारिश होती है डेली, जब भी बारिश होती है वो 17 फ्लोर पे चले जाते हैं लिफ्ट से। बताओ कैसे? ऐसे नहीं, अनम्यूट करो, अब अनम्यूट करो, अनम्यूट करना पड़ेगा तभी बताऊंगा। क्या इतना हमें नहीं पता, इतना आंसर किसी को नहीं आता, आप ही बता दो। इतना दिमाग नहीं है बेटू, इतने इंटेलिजेंट लोग नहीं बैठे यहाँ पर, कोई इंटेलिजेंट नहीं है यहाँ पर। इतने इंटेलिजेंट होते तो ट्रेनिंग में थोड़ी होते हैं। अच्छा अभी मैं फिर से म्यूट करता हूँ सबको, फिर तुम बोलना, तुम्हारी आवाज तभी आएगी, रुको। हाँ अब बोलो तुषा, बोलो। यस सो जब उनके, क्योंकि उनकी हाइट छोटी थी, जब उनके साथ कोई होता है वो उनसे बोलता था 17 फ्लोर तक, तो 17 फ्लोर पे चले जाते हैं, और जब उनके साथ कोई नहीं होता वो 11th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं।
आई थिंक राकेश जी, राजेश जी, आई थिंक वो तुषा की शायद वो कुछ प्रॉब्लम है माइक में, क्योंकि आवाज कटती है। हाँ हाँ, वो मैं इसीलिए सबको म्यूट करना पड़ रहा है सर मेरे को, इसीलिए मैं सबको नहीं, अभी भी बीच में मतलब वो ब्रेक होती रहती है, आधी आवाज आती है। अभी तक ठीक ही चल रहा था, अभी मैं सबको म्यूट कर देता हूँ एंड देन शी विल स्पीक। ठीक है, ओके तुषा। Now I invite Ayush uncle to sing a song in his own unique style. The song is Mohe Bhul Gayi Sawariya. Please welcome Ayush uncle with a huge round of applause. Thank you Tisha, thank you. जो मैं ऐसा जानती के प्रीत किए दुख हो ओ नगर ढिंडोरा पीटती के प्रीत न करी ओ मोहे भूल गए सांवरिया भूल गए सांवरिया मोहे भूल गए सांवरिया भूल गए सांवरिया आवन कह गए अजहुनाए आवन कह गए अजहुनाए नीनी न मोरी खबरिया मोहे भूल गए सांवरिया भूल गए सांवरिया दिल को दिए क्यों दुख विरहा के तोड़ दिया क्यों महल बना के दिल को दिए क्यों दुख बिरहा के तोड़ दिया क्यों महल बना के आस दिला के ओ बेदर्दी आस दिला के ओ बेदर्दी फेर लिखा है नजरिया मोहे भूल गए सांवरिया भूल गए सांवरिया नैन कहे रो रो के सजना देख चुके हम प्यार का सपना नैन कहे रो रो के सजना देख चुके हम प्यार का सपना
प्रीत है झूठी प्रीतम झूठा प्रीत है झूठी प्रीतम झूठा झूठी है सारी नगरिया मोहे भूल गए सांवरिया भूल गए सांवरिया सर कहां से ढूंढा आज ये गाना सर आपका बिल्कुल मूड चेंज कर दिया आज आपने अपना सर देखो मैंने ये सैड सॉन्ग गाया है क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ सैड सॉन्ग को खुश होके गाता हूँ हंसी से स्माइल करके बहुत बढ़िया सावरिया भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसका रीजन ये है कि सावरिया जो है हमारे हमेशा दिल में रहता है भगवान क्या नहीं आयुष जी आपका रूप हमें आप पहली बार देखा कलाकार कहाँ से निकाल के लाया बाहर हम तो सोच रहे थे कोई रोमांटिक गाना आने वाला है कोई। पायल पायल बैकग्राउंड से पूछ रही है भाभी जी मायके तो नहीं गई हुई ना और ये जो सांवरिया है ये हमारे प्यारे प्रीतम भगवान है राधा रानी है तो वो हमें कभी भूलते नहीं है वो ना हमें कभी भूलते हैं ना हम उन्हें भूलते हैं लेकिन हम विरह का रस का हम कैसे मजा लें वो तो भूलते नहीं तो हम विरह के रस का मजा लेने के लिए गाते हैं विरह है नहीं हमारी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर अच्छा अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको एंड आई विल अनम्यूट त्विशा को आज अनम्यूट करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आगे अच्छा त्विशा जस्ट अ मिनट एक्चुअली नेक्स्ट पार्टिसिपेंट डॉक्टर प्रीति इज नॉट हियर टुडे एंड श्रुति दीदी शी हैज गॉट सम प्रॉब्लम अगर उनका इंटरनेट चला गया लाइट चलेगी तो दिक्कत होगी सो प्लीज कॉल श्रुति नेक्स्ट ठीक है विशा kindly introduce श्रुति श्रुति is going to perform हाँ श्रुति को बुलाओ अरे नहीं बेटे पहले श्रुति को बुलाना है श्रुति को प्रॉब्लम है because she has to leave early बोलो Wonderful, Trisha. It's so powerful to see, you know, इतनी छोटी उम्र में इतना कॉन्फिडेंस इतनी सोच इतना मिक्स करते हुए बोलना यू नो आई डोंट नो हम जब इतने छोटे थे इतनी बुद्धि थी भी सरी की नहीं थी सो आई कैन सी ह्यूज पोटेंशियल एंड पावर फॉर यू सो गॉड ब्लेस यू ट्रिशा फर्स्ट ऑफ ऑल एंड जब इतनी महारथी ने इंट्रोड्यूस किया है तो जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है देखते हैं कितनी निभा पाते हैं सो जो मैं आज सुनाने वाली हूँ वो उस वक्त लिखा था मैंने जब मैं अपनी जिंदगी में पहचान से उलझ रही थी और जब मैं बाहर निकलती थी दुनिया में तो मैं जिससे मिलती थी वो भी एक पहचान से उलझ रहा था हम अपनी जिंदगी में शब्द से इतना उलझ जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को ही ये शब्द मान लेते हैं और इस उलझनों से उलझ कर कुछ निकला था जिसे मैंने पहचान कहा था तो आपके सामने समर्पित करना चाहती हूँ इस प्रकार है कौन हूं मैं वो नाम जिससे आप मुझे बुलाते हैं या वो मुकाम जो मुझको बुलाता है कौन हूं मैं वो ख्वाब जो मैंने अपनी आंखों में बुने हैं या वो हकीकत जिससे मैं हर रोज जूझती हूं कौन हूं मैं वो रिश्ते जो मैंने दिल से जोड़े हैं या वो उपलब्धियां जो मैंने खून और पसीने से कमाई है कौन हूं मैं वो इतिहास जो मुझे विरासत में मिला है या वो भविष्य जो मैं विरासत में छोड़कर जाना चाहती हूं कौन हूं मैं
कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, ये प्रश्न लाखों बार इस दुनिया ने मुझसे पूछा है और यही प्रश्न करोड़ों बार मैंने जिंदगी से टटोला है, पर जब भी लगता है, जब भी लगता है इस प्रश्न के उत्तर के करीब पहुंच गई हूं, तभी ये जिंदगी प्रश्न पत्र बदल देती है मेरा, प्रश्न पत्र बदल देती है मेरा, और प्रश्न मेरी पहचान से पहचान पर आके थम जाता है। प्रश्न ये बन जाता है कि पगली ये समझने से पहले तेरी पहचान क्या है ये तो समझ जा, पहचान क्या है, पहचान क्या है, क्या ये वो आईना है जिसमें तू खुद को देखती है, या ये वो इश्तिहार है जिससे तू खुद को बेचती है, क्या ये तेरा खुद को समझने का प्रयास है या ये तेरा दुनिया को समझाने का मापदंड है, क्या है पहचान, क्या है पहचान। हो सकता है, हो सकता है कि दुनिया को शायद ये लगे कि पहचान जिंदगी का आधार है, पर माफ कीजिएगा, जहां से मैं देख रही हूं मुझे ये पहचान आधार नहीं अपितु माया जाल सा नजर आता है, माया जाल सा नजर आता है, एक ऐसा माया जाल जिसमें हम सभी उलझे पड़े हैं, एक ऐसा माया जाल जिसमें हम सभी भटक रहे हैं, एक ऐसा माया जाल है जो कहीं नफरत की चिंगारी सुलगा रहा है तो कहीं डर का साम्राज्य चला रहा है। किसी की जिंदगी को तो तोहफों से भर दिया है इसने और किसी से जीने का अधिकार भी छीन लिया है, किसी को मोह की जंजीरों में बांध दिया है तो किसी के अभिमान को पंख दे दिए हैं इसने। पहचान की इस जंग में मैंने इंसानियत को हारते देखा है, पहचान के इस जुनून के आगे मैंने मासूमियत का दम घुटते देखा है। मत पूछिए जनाब इस पहचान के नाम पे मैंने क्या क्या होते देखा है, क्या क्या होते देखा है, और ये जब सब मैं होते हुए देखती हूँ तो खुद से बस एक ही प्रश्न पूछती हूँ, क्यों है ये पहचान और कैसा है ये माया जाल, क्या पहचान से परे नहीं जिया जा सकता, क्या पहचान से परे नहीं जिया जा सकता, उत्तर नहीं है मेरे पास, खुद ढूंढ रही हूं मैं इसका जवाब, पर इतना बिल्कुल है साफ, ऐसी पहचान नहीं चाहिए मुझे जो किसी और ने सौगात और खैरात में मुझे दी हो, ऐसी पहचान नहीं चाहिए मुझे जो कभी भी कोई भी मुझसे छीन सकता हो, ऐसी पहचान नहीं चाहिए मुझे जिसका वजन इतना भारी हो कि मेरा खुद का अस्तित्व छोटा पड़ जाए, मेरा खुद का अस्तित्व छोटा पड़ जाए। बस इतना और कहना है आपसे यार कि पहचान की पहचान ये पहचानने का नाम है कि पहचान से परे भी कई रंग है, पहचान की जिंदगी एक रंग मंच है, जीवन नाट्य, और तेरी पहचान मात्र एक किरदार, मात्र एक किरदार, मात्र एक किरदार। धन्यवाद। वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल वर्ड्स, थैंक यू। इट्स द रियल लाइफ, यू नो, शी हैज गिवन यू द लाइफ इन फ्यू सेंटेंसेस। व्हाट वी आर टुडे एज ह्यूमन बीइंग, एवरीबॉडी लुकिंग फॉर दैट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी, नो I am this. Everybody says I am an IAS. I am the Prime Minister. I am this minister. You know, nobody is able to get out of that rut. वो जो पहचान शब्द है, उसी पे life टिकी हुई है, वही आप ego कह लो, identity कह लो, self respect कह लो, whatever. Great, great, Shruti, great. Where is Shruti? Where is she gone? She's here only. I can't see Shruti. अभी दिख रही है. एक वो क्यों, अब एक ही किसी का चेहरा निकल गया फिर निकल जाता है वो चले जाते सर, आप गैलरी व्यू में आओ ना सर, ये अपने आप कैसे चेंज हो गया? नहीं कैप्टन साहब, आप गैलरी व्यू में आ जाओ, आगे ना गैलरी व्यू में, कैन यू सी नाइन विंडोज? गैलरी, हां हां, एक मिनट, हां अभी आ गया, नौ विंडोज नजर आ रही है सर आपको, नौ विंडोज नजर आ रही है, हां अब आ गया, अब हो गया, वो पता नहीं अपने आप शायद कुछ क्लिक हो गया, ओके जी, मेरा भी चेंज हो गया था। अच्छा, ओके।
Okay, Trisha, now please go ahead. Next participant. Shekhar uncle is surprise performer of today's event. He is a trainer and an outstanding singer. Today, he is going to sing a song, Raat Kali Ek Kavi Mein. Aye. Please welcome Shekhar uncle with a huge round of applause. Trisha, actually, Raat Kali na Kaam Mein Aayi Thi, to usne bola ye gana nahi gana hai. तो शेखर अंकल ने गाना चेंज कर लिया. He is going to sing another song. That is a surprise. Okay? तो रात कली ने बोला था इसीलिए शेखर अंकल ने सॉन्ग चेंज कर लिया. So let's hear शेखर अंकल. Okay. Can you hear me? Okay. So this song is मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम. तो आई विल ट्राई. इनफैक्ट थोड़ा सा कराओके में प्रॉब्लम है. वो शायद बीच में आवाज उसकी ऊपर नीचे होती है. तो प्लीज बेयर विद मी. आई विल ट्राई टू डू जस्टिस टू दिस सॉन्ग. तो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट. थैंक यू. मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम. मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम. फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे. मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे. मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम. भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर. जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था. और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे. मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था. साजे दिल दिल को गीतों का सहारा दे दे. मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे. मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम. याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी. तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने. मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी. जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने. आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे. मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे. मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम.
मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं। तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताज महल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं। अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ढूंढता हूँ तुझे हर राह में हर महफिल में, थक गए हैं मेरी मजबूर तमन्ना के कदम। आज का दिन मेरी उम्मीद का है आखिरी दिन, कल ना जाने मैं कहाँ और कहाँ तू हो सनम। दो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, एक यही मेरा इलाज गमे तन्हाई है। तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको, अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है। दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मेरे महबूब तुझे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शेखर साहब, बहुत स्टैंडिंग। अच्छा गाना सेलेक्ट किया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया डिफेंडर सेलेक्ट किया। थैंक यू। आज आयुष ने जो ट्रेंड सेट कर दिया ना, तो उसके हिसाब से ये गाना भी सर ने चेंज कर लिया, रात कली के बजाय ये गाना कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, अच्छा दिस तुषा, जस्ट वेट, जस्ट वेट, आई विल जस्ट म्यूट एवरीवन। एक्चुअली श्रुति हैज टू गो, so she is going to make some announcement before leaving, so I'll just unmute Shruti. Over to you, Shruti. Okay. Thank you sir. I have to leave, thoda light white ka issue ho raha hai to sab aise bikhra hua hai, so I have to leave. But before leaving I wanted to announce something. Main, if you remember last time jab matlab we ended things, people jo the pichli baar, so I shared about, you know, a course, online course that I'm thinking to launch very soon.
So I would like to take this platform to announce the date. So so we are starting this course from 12th July. And for that course, we are having webinar, series of webinar. Our first webinar to make sure ki what we are trying to offer in this course and how we are going to take. We are having an introduction webinar that is happening on 27th of June. So anyone who is interested, I would highly request to please come and see in webinar whether this is something for you. यदि आपने कभी भी शब्दों को प्यार किया है, जज्बातों को कागज में उतारने का ख्वाब देखा है, और किसी भी परिस्थिति में, मजबूरी में, अविश्वास की वजह से वो कलम उठा के वापिस रख दिया है, तो मुझे लगता है ये जगह आपके लिए है. मैं राजेश सर के साथ एक इंटरेस्ट फॉर्म शेयर कर दूंगी लिंक. सो राजेश सर, यू कैन शेयर इट टू द पीपल. So if you feel you are interested, आप उसको भर के you can contact me directly. अपना बहुत सारा आशीर्वाद रखिएगा. पहली बार जिंदगी में करने जा रही हूँ, अपने पैशन को अपने पैशन को अपना मकसद बनाने जा रही हूँ. So बस यही आपसे कहना था. Thank you, sir. All the best, Shruti. All the best. Best of luck, Shruti. Best of luck. Best of luck. जादू है अल्फाज, तो अल्फाजों से क्या जादू आता है वो सीखने और सिखाने के लिए मैं ये कोर्स चालू कर रही हूँ. थैंक यू सर. Nobody can be better than you to lead this program because you have true passion for that. हाँ, so sir वही है कि पहली बार है तो थोड़ा ढकढक भी हो रहा है, तो थोड़ा बहुत अच्छा होगा. ठीक है सर. So I'll take the leave. Na? Ab please. And all the best participants. Thank you. Harshvardhan ji ko all the best. Bolo, unki bari aa gayi hai. Harshvardhan, all the best. But unki ma'am bhi hai saath mein. Niranjana ma'am. Mujhe lagta hai Basavi Madan bhi hai shayad. I think unka to chali anyways. I can't say. मुझे तो बासुरी दिख रही है मैं. वो सरप्राइज एलिमेंट है. दैट इज द सरप्राइज एलिमेंट टुडे. ओके, अब राधा बनी मोहन, मोहन बने राधा, और क्या. ओके चलो, आई विल जस्ट. अरे भाई आ जाओ, बात नहीं बात. म्यूट ऑल अगेन. या म्यूट ऑल, अनम्यूट तुषा आवर एंकर. अच्छा हर्ष, आप बोल के बोलो जरा. एक्चुअली तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी पहले. हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि अब आ रही है. अब आ रही है आवाज. नहीं, म्यूट नहीं थे. ओके नाउ गो अहेड. थैंक यू सो मच त्रिशा, यू आर वंडरफुल. बेटा बहुत अच्छा बोल रहे हो आप, एंड इतनी कम उम्र में इतना प्यारा. यू आर टू क्यूट. मतलब हमें तो लग रहा है कि हम तुमको मिले और गोदी में उठा के तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स तुम्हारे को दें. यू आर टू गुड एंड गॉड ब्लेस यू. यू आर वंडरफुल, ब्यूटिफुल. सो थैंक यू वेरी मच. और मैं अब एक गाना सुनाता हूँ आपको. ओके फूलों के रंग से
दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे इमाला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की वीणा सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जुही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए, जितना भी जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने रोका दुनिया ने हंसकर पुकारा, तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार, हाँ कई कई बार। थैंक यू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सो मच, बहुत बढ़िया, क्या बात है हर्षी। लेकिन एक एक इशू आ रहा था, आपका वीडियो अटक रहा था, ऑडियो आपका पूरा आया लेकिन वीडियो पूरे गाने में अटका रहा, वीडियो आपका, इंटरनेट आपका वीक है, इंटरनेट वीक है,
कुछ आपने उससे कर सकते हो? आप किसके ऊपर हो अभी, हॉटस्पॉट पे हो या? मैं वाईफाई पे हूँ अभी। वाईफाई पे नहीं आएगा, मैंने आपको बोला था हॉटस्पॉट पे करता हूँ। हॉटस्पॉट पे डाल दीजिए, अदरवाइज फिर मैम का भी गाना लग जाएगा इसमें। ठीक है ठीक है, मेरे ख्याल से रुको रुको त्रिशा, जस्ट होल्ड ऑन, आई थिंक आप प्लीज उसको वाईफाई से हटा दो। I think हमारे को ना आपका गाना लास्ट में टाइम होगा तो then we'll have again, because ये वाला गाना आपका ना पूरा अटक गया था, गाना पूरा समझ में आ रहा था, only thing is video आपका अटक गया था, तो recording के अंदर video कब आएगा? ये कैसे होगा नहीं? मालूम? Okay. पापा का connect करना है इससे laptop. Next I'll again mute everyone. Android ऐसे आएगा? ये again. कहाँ गई चटपटी त्रिशा? ओके ओके चटपटी त्रिशा ओवर। शादी कौन? नीरा आंटी। ओके अनदर त्रिशा, त्रिशा त्रिशा प्लीज गो बाय सीरियल नंबर, डॉक्टर आकांक्षा इज नॉट हियर टुडे, सो नेक्स्ट पर्सन इज रिद्धि सिद्धि, रिद्धि एंड सिद्धि। ओके ओके नो फर्स्ट टाइम मी डू नीरा आंटी। बेटे नीरा आंटी दे आर गोइंग टू रीजॉइन, सो नेक्स्ट टर्न इज रिद्धि एंड सिद्धि। वन ऑफ द मेनी surprises of this event is the team of our next performers, who both happen to be my sisters. Siddhi who will sing and Riddhi who will play the guitar. The song is Sham Bhi Koi Jaise Hai Nadi from the movie Aisha. So please give a round, a huge round of applause to the Khare sisters. I will just say, we'll take 1 minute just to have the... Sure. Go ahead. You can, what you can do is, Amit. Yeah. I will just... Camera off karlo. Camera off karlo. Okay, thank you. Thank you. Then you can rejoin. Rajesh. Hanji. कल दोनों बच्चों का भाई, मैं कुछ बोल सकता हूँ? बेटियों का दोनों का। मैं क्या, मुंगे साहब कल दोनों बेटियों का एग्जाम भी होगा फाइनल? उनके तो चल रहे हैं सर, 12th तक है उनके। हाँ मैं क्या, मंडे को पेपर है मैंने कहा। यस आपकी बिटिया के चल रहे होंगे? हाँ बिटिया का भी चल रहा है, बेटे का भी 12th में, उसका भी कल एग्जाम है स्कूल का। ओके अच्छा, मुझे बुला रहा था आता हूँ, 5 मिनट में खत्म होने वाला है। अच्छा। सर राकेश सर क्या कह रहे थे? मैं ये कहना था कि मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं और 4 वर्कशॉप्स हो चुकी हैं इन द मंथ ऑफ मे। नेक्स्ट वर्कशॉप शेड्यूल्ड है नेक्स्ट सैटरडे को 13th of June। तो कैप्टन शेखर, उषा मैम, आयुष और हर्ष, so I would invite all of you to join my workshop on this Saturday. It would be a pleasure to have you. I think rest everybody has already attended my workshops on emotional intelligence. I'm expecting you to join on next Saturday. I'll send you the link. Yes. Yeah, please send me the link. Definitely. Thank you. Harji has joined back. Harsh, welcome back. Thank you. Okay, the Khare sisters are also here. Okay, I'll mute everyone and then unmute Khare sisters. Ah, ho gaya. Amit, leave it. Okay. Can you hear me? Okay, go ahead. Go ahead, Siddhi and Riddhi. Hi. So I'll be performing Sham from the movie Aisha, as you all know.
I'll get started. Yeah, we'll get started. शाम भी कोई जैसे है नदी लहर लहर जैसे बह रही है कोई अनकहीं कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू के बुम 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 परा परा है मदहोश दोनों के बुम 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 परा परा है मदहोश दोनों जो गुम सुम है ये फिजाएं जो कहती सुनती है ये निगाहें गुम सुम है ये फिजाएं है ना सुहानी सुहानी है ये कहानी जो खामोशी सुनाते जिसे तूने चाहा होगा वो तेरा मुझे वही बताती है मैं मगन हूँ पर ना जानूं कब आने वाला है वो पल जब हाल हाले धीरे धीरे खिलेगा दिल का ये कमल के बुम 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 परा परा है खामोश दोनों के बुम 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 परा है मदहोश दोनों जो गुम सुम है ये फिजाएं जो कहती सुनती है ये निगाहें गुम सुम है ये फिजाएं है ना ये कैसा समय है कैसा समा है कि शाम है पिघल रही ये सब कुछ हंसी है सब कुछ जवां है जिंदगी मचा रही जग मगाती झलमलाती पलक पलक पे काब है ये हवाएं गुनगुनाएं जो गीतला जवाब है कि बुम 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 परा परा है खामोश दोनों कि बुम 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 परा परा है मजमोश दोनों जो गुम सुम है ये फिजाएं कहती सुनती है ये निगाहें गुम सुम है ये फिजाएं है ना शाम भी कोई जैसे है नदी लहर लहर जैसे बह रही है कोई अनकहीं कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू कहीं ना कहीं खोए हुए से है मैं और तू के बुम 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 परा परा है खामोश दोनों के बुम 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 परा परा है मदहोश दोनों थैंक यू वेरी गुड बेटा वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड आउटस्टैंडिंग बहुत बढ़िया अमित जी कहते हैं रिद्धि और सिद्धि वास करती हैं भाई हाँ तीनों ऑल थ्री सिस्टर्स रिद्धि सिद्धि त्विशा दे ऑल रॉक वाओ ग्रेट टैलेंट टैलेंटेड फैमिली यस यस थैंक यू वेरी मच हेलो त्विशा मैम हाय त्विशा त्विशा काम हेलो सीमा मैम हाउ आर यू हाय हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून नमस्कार 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 एनीबडी कैन ज्वाइन इन द विंडो पीपल हैव एनीवेज तो हर्ष शी इज माय वाइफ सीमा निराजना मैम आवाज नहीं आ रही आपकी आई थिंक यू विल हैव टू कम फॉरवर्ड हर्ष आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही हर्ष आपकी ओके जस्ट लेट मी म्यूट एवरीवन ओके चटपटी त्विशा Yeah, Chatpati Twisha, please go ahead and introduce the next contestant. Nikki.
another surprise performer of today's event is Neera Aunty, who is a musician and a trained Kathak dancer. Dance and music are her passion and integral part of her life. There is no musical instrument which she cannot play. So what musical instrument she plays today is another surprise. Please see for yourself. Please welcome Neera Aunty with a huge round of applause. नमस्कार, सबको नमस्कार. और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया उसने मेरा, मुझे डर लग रहा है गड़बड़ ना हो जाए कुछ भी मेरे से, तो बेटा माफ कर देना गड़बड़ हो जाए तो. अच्छा ठीक है, एक छह महीने पे मैम प्लीज आपको थोड़ा आना, आगे आना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए मेरे ख्याल से, लैपटॉप के सामने आप आ जाए तो अच्छा रहेगा. अभी मुझे 6 मंथ हुए बांसुरी पकड़े हुए और किसी से सीखी नहीं है मैंने, तो खुद ही बजाती हूँ मैं. तो स्टार्ट करें. जस्ट ए मिनट मैम, एक मिनट सर. वीडियो वीडियो आवाज आ रही है सर? आवाज तो बहुत बढ़िया आ रही है, पहले भी आ रही थी, वीडियो में इशू था आई थिंक. नाउ कोई बात नहीं, वीडियो नहीं आएगी तो आवाज तो सुन ही सकते हैं ना आप लोग. प्लीज प्लीज गो अहेड मैम, प्लीज गो अहेड. आप बंद करके एंजॉय कीजिएगा. Thank you.
बस वाओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वीडियो आ रही थी सर बहुत बढ़िया मैम आवाज भी आ रही थी वीडियो भी ऑलमोस्ट ठीक है बहुत बढ़िया वेरी गुड this was definitely the surprise packet of today. राजेश जी इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी से सीखी नहीं है ये उन्होंने खुद से ही घर पर ही प्रैक्टिस करके शुरू किया था और अपने आप ही सीखा है एजुकेशन नहीं ली किसी से भी वेरी लकी लॉकडाउन का डे नहीं है बता रहे थे कि शी कैन प्ले ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स गिटार और ड्रम आई थिंक हारमोनिका एवरीथिंग शी कैन प्ले एंड शी इज अ ट्रेंड कथक वन वायलिन वायलिन भी है वायलिन शी कैन प्ले आल्सो एंड शी इज डिफरेंट चलेगा फिर तो नेक्स्ट इवेंट में वी कैन हैव वायलिन हां पक्का पक्का नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू नीरा मैम You know, because you are into music and you can understand it, because flute has a different technique. Bilkul, bilkul. You know, bilkul. Yes, like yes. any other instrument where there are sare gama in a line, in a sequence, the flute is not in a sequence. You know, you have to use different fingers to make a particular sur, you know. So it's hats off. It's quite commendable that it's been only 6 months. And you have reached there. But one advice of mine is, because you know, any instrument you start playing for the first time, especially this, because it is not only like playing harmonium or piano, yes, yes. where you are using your fingers and brain. Here you are using your breath also. And that, you know, half of your breath, I felt that it is coming out. It's not being used properly. So I think you should take some guidance from a good For at least for 3 months or so, and then you can practice at home. But it's remarkable. I have also, you know, tried to learn flute, but मैंने एक दो दिन बजाई मेरे को समझ में नहीं आया उसके बाद. नहीं बहुत difficult है ये बहुत difficult है ये और एक्चुअली ये वाली फ्लूट मैंने ली है ना ये कम बजाई है क्योंकि सब different scales की है तो जो C और D की है वो हाथ में ज़्यादा लगी हुई है अभी चार की है तो ये कम use होती है जितने जितनी मतलब इंट्रोडक्शंस करनी थी चटपटी त्रिशा ने वो तो ओवर हो गई है उसके बाद आई हैव टू टेक ओवर ठीक है तो अभी अभी मुझे आधे घंटे पहले पता लगा है आफ्टर मैरिज ऑफ 23 इयर्स दैट आई गॉट ए पोएट इन माय फैमिली शी इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू तो शी इज गोइंग टू रिसाइट ए पोएम फॉर यू मुझे 23 साल में नहीं पता था आज आधे घंटे पहले पता चला है तो यू आर द लकी वंस कि आप सबके साथ मुझे भी सुनने को मिलेगा सो प्लीज वेलकम सीमा माय वाइफ हेलो वैसे ये पोयम मैंने अपनी डॉटर के लिए लिखी थी व्हेन शी वाज इन क्लास 4 नाउ शी इज इन सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज और उसका स्कूल का एक कंपटीशन था उसके अंदर सेल्फ कंपोज्ड पोयम ही लिखनी थी तो आई ट्राइड टू राइट डाउन फ्यू लाइंस फॉर हर तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द सेम पोयम विद यू पोयम का टाइटल है मैं हूं तुम्हारी यमुना नदी याद आते हैं मुझे बचपन के वो दिन जब मैं गंगा और सरस्वती रह ना पाते थे एक दूसरे के भी पहाड़ों पर था मेरा बसर गंगोत्री से शुरू होता था मेरा सफर इलाहाबाद जाने के लिए मैं दौड़ी चली जाती थी गंगा और सरस्वती भी खुशी के मारे हिचकोले खाती थी ये सोच के ही खुश होती थी कि गुजरूंगी मैं दिल्ली से जो कहलाती है दिल वालों की पर यहाँ आकर मैंने जाना कि यहाँ कमी नहीं थी नालों की घर का कचरा सड़कों की धूल फैक्ट्री का रसायन पूजा के फूल
सब मुझ में ही मिला दिया, अस्थियां बहा बहा कर मुझे शमशान बना दिया। पहले जो मेरा रूप शीशे सा दमकता था, अब अपना काला सा मुंह लेकर सांस लेने को तरसता है। आसमान से सावन नहीं तेजाब बरसता है। अब तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगी, दो बूंद साफ पानी को मैं खुद ही तरस जाऊंगी। मुझे गंगा जल नहीं मिनरल वाटर पिलाना जब मेरा अंत निकट होगा, क्योंकि अगले कुछ सालों में गंगा का भी मुझ जैसा ही अंत होगा, मुझ जैसा ही अंत होगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। राजेश जी सर, अच्छा मैसेज। राजेश जी, यस सर, आई विल टेल वेरी रॉन्ग, आई मीन आपने 23 साल तक मैडम को पहचाना नहीं। नहीं पहचाना। नहीं पहचाना, इट्स वेरी रॉन्ग ऑन योर पार्ट। डेफिनेटली डेफिनेटली मैडम को बहुत सप्रेस किया, इसका मतलब 23 साल तक अभी को आपने को आगे नहीं आने दिया। बच्चों के लिए स्कूल की एक्टिविटीज ये वो उसमें बहुत कुछ करते रहते थे, उनके प्रोजेक्ट। बट मैम आपने 23 साल पहले 20 साल पहले कैप्टन शेखर, इट इज नेवर टू लेट इन लाइफ। ऐसा है कैप्टन शेखर, लास्ट टाइम यू वर नॉट देयर तो राकेश जी से पूछिए, राकेश जी ने बताया था कि 41 साल बाद वो गाना गा रहे हैं, आफ्टर 41 इयर्स, आफ्टर फर्स्ट डे कॉलेज। देखो वो उनकी बात अपनी की है, वो अपनी की बात है, अपने को पहचानना नहीं पहचानना दूसरी बात है, मैडम को पहचानना चाहिए ही। अभी तो उनके अंदर पता नहीं कितने पोटेंशियल है, वो तो अभी आप निकालने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल 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 सर, डेफिनेटली। ओके, और मैडम को हम सबकी तरफ से एक एक चॉकलेट आज गिफ्ट करेंगे आप। डन डन सर, डन। सर लॉकडाउन में चॉकलेट कहाँ से आएगी? अरे मैडम सब शॉप्स खुल गई हैं, अब तो लॉकडाउन कहाँ ओपन हो गया है। ठीक है सर। ओके, आई जस्ट म्यूट एवरीवन एंड देन कॉल त्रिशा। ओके, चटपटी त्रिशा। ओके नाउ बिफोर आई कॉल त्रिशा, बिफोर आई अनम्यूट त्रिशा, अभी आपने देखा त्रिशा का, आई थिंक शी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन नाउ, नो एवरीबॉडी इज फेमिलियर विद त्रिशा। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है, शी इज चटपटी त्रिशा, शी इज गोइंग टू गो फॉर स्टोरी टेलिंग। कौन सी स्टोरी सुनाती है, कौन से जोक सुनाती है, आई डोंट नो, लेट अस सी फॉर योरसेल्फ। सो प्लीज वेलकम चटपटी त्रिशा विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। Okay, then again I'll mute all. Okay, Trisha, go ahead. I want to sing a song, Let It Go by Frozen 2. Okay, okay, go ahead. I will sing a song. पहले के सब लोग आराम से, वेट 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 आराम से, पहले पूछना है सब लोग, पहले पूछो। कैन एवरीवन हियर मी लाउड एंड क्लियर? चलो ओके, 1 2 स्टार्ट करो। स्नो शुरू शुरू करो, बस शुरू करो। नहीं अभी नहीं आया उसका म्यूजिक। वेट 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 बेटा, दीदी वो कहाँ से बंद होगा? ब्लूटूथ, ब्लूटूथ कहाँ से बंद होगा बेटा? वेट 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 वेट, नाउ नाउ बोलो, कैन एवरीवन हियर मी? यस बोलो, कैन एवरीवन हियर मी लाउड एंड क्लियर? कैन एवरीवन हियर मी? Yes, yes. The snow out on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind
खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा गाना गाया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया त्रिशा, आउटस्टैंडिंग त्रिशा, वेल डन त्रिशा, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, अमित, वेल डन, रियली वेल, अमित कांग्रेचुलेशंस फॉर सच अ वंडरफुल फैमिली, वंडरफुल किड्स, यू नो यू हैव, सो लकी, थैंक यू वेरी मच, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अमित, अमित गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ये रिद्धि सिद्धि को सुनते सुनते इसने सीखा है। वो हमने देख लिया था इसको। मेलोडियस, सो मेलोडियसली सांग, वेरी नाइस, थैंक यू, वो तो हमने फर्स्ट उसमें देख लिया था ना कि व्हेन दे वर सिंगिंग रिद्धि एंड सिद्धि, आप भी पीछे कुछ कर रहे थे तो पीछे से शी वाज ऑलवेज वो बोल रही थी, तभी मैंने कहा शी शुड बी द एंकर, वेरी गुड, नो वी शुड ऑल क्लैप फॉर त्रिशा, वी शुड ऑल क्लैप फॉर त्रिशा टुडे, थैंक यू त्रिशा, थैंक यू सो मच। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एक क्लैपिंग इसकी मम्मी और पापा के लिए होना चाहिए, उसका कारण बताता हूँ, ये जो बैठी है ना यहाँ पर दो घंटे से, ये वो बच्चा है जो दो मिनट एक जगह बैठ नहीं सकता, और इसको कैसे बिठाया है वो हमें पता है, चेन से बांधा हुआ क्या? नहीं, नहीं। ये दो तकिए रखे तब तो ये बैलेंस में आया है बच्चा, और उसके बाद मम्मा ने इसका पास्ता, कोल्ड ड्रिंक, जो भी थी वो सारी चीजें यहाँ रखी, ताकि ये बार बार उठे, खाए और आ जाए, ये अपनी ऑनलाइन क्लासेस में दो घंटे लगातार नहीं बैठती, और आई एम रियली प्राउड कि आज ये हमारा इसने मान रखा। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ये पास्ता कोल्ड ड्रिंक में बैठ रही, तो मैडम को बुलाओ सही सामने, मैम भी यही है, मैम बैकग्राउंड में सब संभाल रही थी, चलिए मैम के लिए, पाल मैम के लिए भी क्लैपिंग। अच्छा राजेश जी, हाँ जी, हेलो राजेश जी सर, आई बेग योर पार्डन, यू नो आई हैव अ मीटिंग एट 1 o'clock, सो इट्स ऑलरेडी ओवर बाय 4 minutes, इट्स ओवर, सो इफ यू कैन एक्सक्यूज मी, नो नो सर, वी आर गोइंग टू फिनिश, सबका परफॉर्मेंस कंप्लीट हो चुका है, सो एज सच वी आर गोइंग टू, अच्छा अच्छा, सो अदर यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग अदर पीपल टू कम? नो, दे आर नॉट कमिंग, अच्छा ओके, नोबडी इज कमिंग, सो आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे, Bicycle don't stand straight. क्यों bicycles जो होते हैं वो सीधे खड़े क्यों नहीं हो पाते? बोलो। नहीं पता त्रिशा, बिल्कुल नहीं पता, मैंने बताया ना, nobody is intelligent here. अरे यार। Why? Because they are too tired. Too tired. They are too tired. Yeah, absolutely. Fantastic. Got it. I'm tired. Okay, chalo phir chalte hain. Okay, I think I thank everyone. Ayush ji, Captain Shekhar, Raheja sahab, Rakesh ji, Usha ma'am, Neera ma'am, who has joined us for the first time. Harsh also has joined us for the first time. Or Amit, Riddhi, Siddhi, and Payal ma'am, and Trisha. So let us, while leaving, let us clap for Trisha once again. We'll end the meeting here. Thank you, Trisha. Thank you so much. See you soon. Thank you very much. Thank you.
Thank you. Bye. Bye.